आप कुछ बताना चाहोगे कितनी बार आपने कॉल रिसीव किया और उनका क्या पर्क्स था पूरे दिन में, अगर कुछ आप बोलोगे? ये मोबाइल पीछे ले राखी जी, आपका पक्ष क्या था और आदिल लगातार आपसे फोन पे संपर्क करने की कोशिश किए जा रहे थे, आपने एक भी बार फोन उठाया उनका, कुछ उन्होंने कहा अपने तरफ से? क्या क्या उन्होंने मुझे एक दो बार अंदर बुलाया, ये मैटर को खत्म करो और नहीं होगा। मैंने ऐसा जो मैटर उन्होंने दसों बार पिछले 7-8 महीने मैंने मेरी शादी में 100 बार उन्होंने माफ़ी मांगी है, मैटर ख़त्म करो। मैंने अपनी तरफ से 7-8 महीने की शादी में कम से कम उनको नहीं तो 25-50 बार माफ़ किया होगा हर चीज़ में। हाँ, 7-8 महीने की शादी में 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंडों को छुड़ाया है मैंने, आप समझ सकते हैं। जो मेंटली ट्रॉमा, जो मेंटली प्रेशर, दुनिया के डर से, मीडिया के डर से, हमेशा मीडिया और दुनिया के डर से मैं सब सहती रही कि बोलेंगे कि अरे इसका दूसरा मैरिज है, फिर भी टिक नहीं पा रहा, हर कोई मुझे दोष लगाएगा, इसलिए मैं सहती रही, मैं खामोश रही। किस तरह की धाराएं लगी आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह की धाराएं, कौन से सेशन पे? 4-4, 3-7, 3-6, 4-6, ये सब धाराएं लगी। जब हमने देखा हम दोनों ऊपर गई, अब उस प्यार था जो आप प्यार पड़ी और प्यार था, आपको तकलीफ हो रही? मुझे तकलीफ हो रही थी प्यार का, कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मेरा अभी 4.5 महीने पहले एक ऑपरेशन हुआ है, बिग बॉस में जाने से पहले 4.5 वीर डॉक्टर विनय शिंदे ने मेरा बेबी के लिए यूट्रस का ऑपरेशन किया था। हॉस्पिटल में मैं और आदिल हम लोग एडमिट थे, हम लोग अभी बेबी प्लान कर रहे थे। सब खत्म, उन्होंने सब खत्म कर दिया, आदिल ने खुद ही अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया। राखी, क्या आदिल के परिवार वालों ने आपसे बात की है अभी? जी, क्या था उनका कहना? उनकी माँ, माँ तो माँ होती है और माँ के लिए तो मेरा दिल हमेशा रोता है, लेकिन मैंने बोला कि मैं आपके लिए, आपकी बहू हमेशा आपके लिए खड़ी, आधी रात को आप बोलिए, लेकिन आदिल के बारे में कुछ मत पूछना,